दक्षिण भारत में ठंडी और गर्मी एक साथ होती है तो त्वचा चटकने लगती है। तब हम काले तिल का सेवन करते हैं ताकि आपकी त्वचा का स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहे, अंदर और बाहर दोनों। काले तिल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, आयरन, कॉपर, जिंक, विटामिन बी, फोलिएट और विटामिन ई का एक बहुत अच्छा स्रोत। वैसे मैं चीजों को इस तरह नहीं देखता, पर काले तिल सारी जिंदगी मेरे साथ ही रहे हैं, खासकर जब मैं ट्रैकिंग पर जाता था। जब मैं अकेले ट्रैक करता था तो भुने हुए काले तिल मुझे जीवित रखते हुए चलाते रहते थे और हर समय एनर्जेटिक रखते थे। ये आपके कार्टिलेज और हड्डियों के जोड़ों के लिए अद्भुत होते हैं, दिल के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। और दक्षिण भारत की परंपरा का एक हिस्सा है कि सर्दियों में, जब दक्षिण भारत में ठंडी और गर्मी एक साथ होती है तो त्वचा चटकने लगती है, तब हम काले तिल का सेवन करते हैं। खास तौर से कर्नाटक में ये एक पूरी की पूरी परंपरा है कि हर कोई एक दूसरे के परिवार के साथ तिल शेयर करते हैं, इसे बढ़ावा देने के लिए, ताकि आपकी त्वचा का स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहे, अंदर और बाहर दोनों। तिल आयरन का भी बहुत अच्छा स्रोत है। आप में से जिनको आयरन की कमी है, खास तौर से महिलाएं, उनके लिए तिल खाना बहुत ही अच्छा होगा। ये युवा महिलाओं के लिए भी अच्छा है, उनकी ओव्यूलेशन प्रक्रिया को स्वस्थ रखने के लिए। शहद इस धरती पर पाया जाने वाला इकलौता पदार्थ है जिसकी रासायनिक संरचना लगभग इंसान के खून की संरचना की तरह है। अगर आप कुछ चीजें बदल दें तो ये लगभग खून जैसा है। शहद का दैनिक सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत कुछ कर सकता है, खासकर वो लोग जिन्हें अधिक बलगम की समस्या है। ये आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है, आपके दिमाग के लिए अच्छा है, ये आपके मन को सतर्क रखता है और ये बहुत ऊर्जा देता है। तो हर दिन शहद का सेवन बहुत कुछ कर सकता है, खासकर अगर आपके बढ़ते बच्चे हैं तो उन्हें रोज शहद का सेवन करना चाहिए। ये उनकी बुद्धि और हर तरह के विकास के लिए बहुत कुछ करेगा। अगर आप शहद को पकाते हैं तो वो जहरीला बन जाएगा। शहद को पकाया नहीं जाना चाहिए। मुझे पता है कि लोग इसे बेक कर रहे हैं, इसे केक और दूसरी चीजों में पका रहे हैं, ये करने के लिए अच्छी चीज नहीं है। अगर आप इसे पकाते हैं तो शहद का कुछ हिस्सा जहरीला हो जाता है। आपको इसे हल्के गर्म पानी में डालना चाहिए, उबलते गर्म पानी में नहीं। अगर आप इसे गर्म पानी में डालते हैं तो ये एक प्रकार का एंजाइम तैयार करता है जो शहद में एक खास तरह का बर्ताव करता है, जिससे इसमें शरीर से वजन हटाने की प्रवृत्ति आ जाती है। अगर आप इसे ठंडे पानी में डालते हैं तो ये एक अलग तरह से बर्ताव करता है और ये शरीर का वजन बढ़ा देता है। ऐसा नहीं है कि कुछ चम्मच शहद जो आप ले रहे हैं उससे आपके शरीर का वजन बढ़ रहा है, आपके सोखने की दर ऐसी हो जाती है कि आपका वजन बढ़ सकता है। तो शहद के सिस्टम पर अलग अलग असर होते हैं। अगर इसका यूं ही सेवन किया जाए तो इसका एक तरह का असर होता है। अगर इसे ठंडे पानी के साथ लिया जाए तो इसका अलग असर होता है। अगर इसका सेवन गर्म पानी के साथ करें तो इसका अलग तरह का असर होता है। We want to consume it in warm water here because we want the system to open up. यहाँ हम इसका सेवन गर्म पानी के साथ करना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सिस्टम खुल जाए। अगर आप सिर्फ सेहत बनाना चाहते हैं, जैसे अगर कोई एनीमिक महसूस कर रहा है, एनीमिया का मतलब है एक स्तर पर खून में लोहा कम हो गया है, मतलब आपकी ताकत कम हो गई है, ठीक है, आपके शरीर की मजबूती कम हो गई है, आप थकावट महसूस करेंगे बिना किसी कारण के थकावट, क्योंकि जब जरूरी लोहा नहीं होता है तो शरीर के हिस्सों तक ऑक्सीजन ले जाने की आपकी क्षमता कम होती है। इसका मतलब है कि आपका शरीर, आपका दिल, आपका मस्तिष्क सब कुछ कम स्तर पर काम करेगा क्योंकि आपके पास पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है। तो इसे ठीक करने के लिए एक आसान चीज यह है कि आप रोजाना गर्म पानी में थोड़ा सा शहद मिलाकर पिएं और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी आरबीसी की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर खून में ऑक्सीजन ज्यादा है तो अचानक आपको ऊर्जा का विस्फोट महसूस होगा, अचानक सब कुछ सक्रिय है, शरीर की पुनर्जीवन प्रणाली बेहतर है, मृत कोशिकाएं जल्दी जल्दी बदल रही हैं, शरीर में आप जो आलस महसूस करते हैं वो काफी कम है, मन में आप जो आलस महसूस करते हैं वो काफी कम है। तो शहद का सेवन
रक्त संचार प्रणाली में एक तरह का संतुलन लाएगा जो योगाभ्यास करने वालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप कुछ तरीकों से शरीर को सीमाओं से आगे धकेल रहे हैं। तो खून की केमिस्ट्री को संतुलित रखना, खून को शुद्ध रखना, ये शहद के नियमित सेवन से निश्चित रूप से होगा, और जो योग अभ्यास करते हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है। और हल्दी से भी ऐसी ही चीजें होती हैं, ये खून को शुद्ध करती है और ये आपकी ऊर्जा में हल्की पारदर्शिता लाती है। हल्दी एक ऐसा पदार्थ है जो न केवल शरीर पर काम करता है, ये ऊर्जा प्रणाली पर भी काम करता है, और शहद भी ऐसा ही है। इसका प्रभाव आपकी ऊर्जा प्रणाली पर भी पड़ता है। शहद आपको अधिक जीवंत बनाता है, हल्दी एक तरह से आपको शांत करती है और आपको सहज रखती है। सुबह आप थोड़ा सा शहद, नीम और हल्दी लेते हैं, तो नीम और हल्दी का सेवन थोड़े से शहद वाले पानी के साथ, इसमें शहद बहुत कम होना चाहिए, थोड़े से शहद वाला पानी, इन सभी का साथ में सेवन करना सिस्टम को साफ करने का एक अच्छा तरीका है। Acts as a wonderful way of cleansing the system. इससे सिस्टम में फैलाव आता है, ताकि जब आप साधना करते हैं तो एक चीज ये है कि ये मांसपेशियों में लचीलापन लाता है। दूसरी बात यह है कि मांसपेशियों में लचीलापन आने के परिणाम स्वरूप आप सिस्टम को धीरे धीरे एक अधिक शक्तिशाली संभावना में बदल सकते हैं। अगर आप एक नए स्तर का लचीलापन लाना चाहते हैं तो पहली चीज ये है कि सिस्टम से काफी सारा विषैलापन निकालना होगा। अगर आप सिर्फ पानी का आहार या शहद और पानी का आहार लें जो आपको पर्याप्त ऊर्जा देगा, अगर आप पहले से ही बहुत पतले नहीं हैं, अगर आप थोड़ा वजन कम कर सकते हैं, अगर आप शहद डालेंगे तो आपका वजन भी कम नहीं होगा। अगर आप पर्याप्त शहद लेंगे या आप चम्मच भरकर शहद लेंगे तो आपका वजन कम नहीं होगा। अगर आप 7-8 दिनों तक ये करते हैं तो शरीर से बहुत सारा विषैलापन बाहर निकल जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि अचानक आपका शरीर कहीं ज्यादा लचीला हो गया है। प्रयोग करके देखिए, इस पर विश्वास मत कीजिए। तो शहद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो लोग यौगिक अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए शहद का सेवन अच्छा है।